राधे राधे श्रद्धे श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे हरि भक्तों, आप सभी श्रवण कर रहे हैं 19 दिवसीय भगवान बाबा भोलेनाथ के 19 अवतारों का सुंदर वर्णन। आज भगवान के 7वें अवतार गृहपति अवतार के विषय में हम सभी जानेंगे। भगवान ने आखिर गृहपति अवतार क्यों लिया, किनके यहाँ लिया, आइए इस विषय पर हम सभी भगवान शिव की सुंदर चर्चा कर उनकी शरणागत हों और अपने जीवन का कल्याण करें। भगवान भोलेनाथ की सुंदर कथा को श्रवण करें। उससे पूर्व आप सभी अपने सभी परिजनों को, अपने सभी चाहने वालों को, अपने सभी इष्ट मित्रों को, अपने जितने भी जानने वाले हैं सभी को भगवान की ये कथा सुनने को मिल सके, प्राप्त हो सके, इसके लिए शेयर करें, लाइक करें। आप सबके मन में जो भी भगवान के अवतारों के विषय में भाव बना है, पूछना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट भी करें। साथ में आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास कि हमारा ये YouTube चैनल का परिवार आप सबके जुड़ाव से और भी बड़ा हो और हम सभी हिंदू सनातन वैदिक धर्म को मिलकर के एकजुट होकर के इतना बढ़ाएं कि जन जन तक, घर घर तक भगवान की समस्त जानकारियां बच्चे बच्चे को पता हो, जिससे कि कल को बदलते वक्त के दौर में उन्हें कोई भी बहका ना सके। अच्छा है कि हम सभी अपने बच्चों को अनेकों साधन दे देते हैं, लेकिन जब तक संस्कार नहीं देंगे तो साधन देना प्यारे बंधुवरों व्यर्थ है। बिन संस्कार के साधन व्यर्थ है, बिन संस्कार के कार्य भी व्यर्थ है। अतः संस्कार मिले और संस्कार मिलेंगे भगवान की कथाओं से। तो आज की कथा भगवान के 7वें अवतार गृहपति अवतार के विषय में है। भगवान का गृहपति अवतार अधिक से अधिक लोग श्रवण कर सकें तो उसके लिए, एवं हमारे आगामी 19 अवतारों की कथाओं को भी आप सुन सकें भगवान भोलेनाथ के अवतार, तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए अब सुने आज की गृहपति अवतार की सुंदर मंगलमय कथा। ग्रंथों में गृहपति अवतार के विषय में प्रिय भक्तों आया है कि भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति अवतार, और कथानुसार हमारे जम्बूद्वीप भारतखंड भारतवर्ष से आर्यावर्त इस भारत भूमि पर नर्मदा नदी हुई है। नर्मदा नदी के तट पर एक धर्मपुर नामक नगर हुआ करता था और उस धर्मपुर नगर में विश्ववानर नाम के एक तपस्वी रहा करते थे, बड़े ही सिद्ध योगी थे। इनका विवाह सुचिमती नामक सुकुमारी से हुआ और दोनों ने अपने गृहस्थ धर्म को भली भांति उचित प्रकार निर्वाह किया। बहुत अवधि बीत गई, समय बीत गया, तब एक समय प्यारे बंधुवरों देवी सुचिमती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर अपने पति से एक दिन याचना की कि आपके साथ समस्त प्राप्ति सुखों की मुझे हुई है, लेकिन हे ऋषिवर, मैं एक संतान को जन्म देना चाहती हूँ, शिव समान मुझे पुत्र प्राप्त हो, ऐसा वरदान आप मुझे प्रदान करें। प्रिय बंधुवरों, सुचिमती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। ये सोच करके मुनि विश्ववानर ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश्वर लिंग की आराधना की और वे कठोर तप करने के लिए काशी के लिए निकल पड़े। काशी जाकर के भगवान शिव के वीरेश्वर लिंग की पूजा अर्चना करते हैं, रोज गंगा स्नान करें और रोज काशी की भूमि पर भगवान का पूजा अर्चन करें, नियमित रूप से
विश्वानर ऋषिवर का नैतिक दैनिक नित्य ये क्रम बन गया। एक रोज उन्होंने क्या देखा प्रिय बंधुवरों, एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान उनको दिया। कालांतर में सुचिमती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान ने गृहपति के रूप में अपना अवतार लिया और गृहपति के रूप में अवतार लेकर भगवान ने उस समय समस्त धर्मपुर उस नगर में चारों ओर नर्मदा के तट पर धर्म की स्थापना की, चहु ओर समस्त लोगों को शिव पूजा से अवगत कराया, सभी को भगवान शिव की सात्विक पूजा के लिए प्रेरणा दी, सभी संसारवासियों को शास्त्र नीति सम्मत बनाया। इतना ही नहीं, वेदों का सही और सच्चा ज्ञान भी गृहपति अवतार के रूप में भगवान शिव ने समाज के सभी लोगों को प्रदान किया। प्रतिष्ठित लोगों को भगवान शिव के इस अवतार ने सबसे मिलजुल करके एवं छुआछूत से बचने का, सबके साथ रल मिलकर आपसी भाईचारे के साथ रहने का सुंदर संदेश प्रदान किया। बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के, सबको शिव पूजा का अधिकारी बताते हुए सबको शिव पूजा करने का अधिकार भी गृहपति भगवान ने दिया। ऐसे गृहपति भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान के आज के इस अवतार को जिन जिन भक्तों ने सुना है भगवान उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप सबकी भांति आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें, उसके लिए आपका एक लाइक आपका एक शेयर काफ़ी है। आप सभी अपने द्वारा जहाँ जहाँ भी शेयर हो सके कीजिए, जहाँ जहाँ भी जिन जिन से आप जोड़ सकते हैं हमारे अपने YouTube परिवार से, तो आप सभी हमारे YouTube चैनल से सभी को जोड़ करके इस परिवार की बढ़ती हुई इस क्रम श्रृंखला में सबका स्वागत है। सबको जोड़िए और भगवान नाम की कथाओं को अधिक से अधिक बढ़ाइए। धर्म का प्रचार हो, धर्म की स्थापना हो, भगवान की कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रवण कर सकें, बस इतना सा प्रयास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभु की कथाएं मिल सकें। चलते चलते यही कहेंगे कि आपके मन में भी भगवान के किसी भी अवतार के विषय में कोई संशय भरा प्रश्न है, कुछ जानना आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना नाम और स्थान लिख करके जरूर लिखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना संदेश मैसेज छोड़ सकते हैं। आगामी वीडियो में आपके उन प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। कल भगवान के 8वें अवतार के साथ फिर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी अधिभक्तों को हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुक्ताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।